हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। कल की डेट पे एसूस की तरफ से फ्रेंड्स एक गेमिंग लैपटॉप लॉन्च इवेंट जो था, जहां पे इन्होंने जो लैपटॉप्स लॉन्च किए वो वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले भी एसूस की तरफ से एक गेमिंग लैपटॉप लॉन्च इवेंट था, जहां पे इन लोगों ने मोस्टली जो है उनके 480 और 4070 वाले जो लैपटॉप्स थे दोस्तों वो लॉन्च किए। लेकिन इस बार का जो लॉन्च इवेंट है वो काफी ज्यादा खास है, बिकॉज इसमें आप लोगों को RTX 4050 और 4060 वाले जो लैपटॉप्स हैं वो आप लोगों को जो है लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ इन सारे लॉन्च में से मैं सिर्फ थोड़ा बहुत पिकी यहां पे हो रहा हूं। द रीजन बीइंग इज आई नो द काइंड ऑफ ऑडियंस वाचिंग माय वीडियो, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस लैपटॉप्स व्हिच ऑफर देम मोस्टली RTX 4050 एंड RTX 4060। तो ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे जो फैन फेवरेट रहा है लोगों का इंडिया में, दैट इज द एसूस टफ सीरीज। उसमें भी दोस्तों जो A15 वाली सीरीज होती है ना, जहां पे आप लोगों को राइजन के प्रोसेसर्स मिलते हैं, वो जो है काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन यूजुअली देखो ऐसा होता है कि ये वाली जो सीरीज है ना, ये जानी जाती है इनकी कम प्राइसिंग के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे 1,05,990 जो रुपए आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, डोंट गेट मिसलीडिंग, बिकॉज दिस कॉन्फ़िगरेशन मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे खरीदना पसंद करोगे। तो आइए लेट अस जंप स्ट्रेट फॉरवर्ड टू देयर प्राइसिंग पेज। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे काफी सारे फीचर्स है, ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट किया गया है, नो डाउट इन दैट। यहाँ पे आप लोगों को सीपीयू जीपीयू में काफी ज्यादा जो है दोस्तों इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बट दैट इंप्रूवमेंट डज नॉट ट्रांसलेट्स वेल टू द इंक्रीज इन द प्राइसिंग। तो चलिए इनके प्राइसिंग के पेज पे यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। नाउ एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अमेजोन के ऊपर भी जो है ये वाले लैपटॉप्स आ चुके हैं। कुल मिला के दो ही कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी लॉन्च हुई है, जहां पे आप लोगों को राइजन 7 लेटेस्ट जो 7000 सीरीज चल रही है एसूस की, राइजन की, वो आपको देखने को मिलेगी विद द RTX 4050, और साथ में आप लोगों को राइजन 9 विद द RTX 4060 जो है यहां पे देखने को मिल जाता है। नाउ इट्स द फर्स्ट टाइम दे हैव यूज्ड देयर HS प्रोसेसर। इससे पहले जो है दोस्तों ये लोग फुल फैट H सीरीज के प्रोसेसर यहां पे यूज करते थे, तो 35 वॉट वाले जो है आप लोगों को HS सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, नो डाउट स्टिल ए वेरी ग्रेट थिंग इन द परफॉर्मेंस। तो यहां पे प्राइसिंग के पेज के ऊपर अगर आप लोग जाएंगे दोस्तों, तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे जो कि कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट लाइकली ज्यादातर लोग खरीदना पसंद करेंगे, दैट विल बी द 1 TB SSD विद द RTX 4060। इसकी प्राइसिंग दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं 1,52,000 रुपीस। सो नाउ दैट्स द काइंड ऑफ प्राइसिंग, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग जो है इसे इस प्राइस पॉइंट पे खरीदना पसंद करेंगे। वही अगर दोस्तों अगर ये वाला लैपटॉप जो है कहीं ना कहीं 1.25-1.2 तक आता, बिकॉज दैट्स वॉट पीपल आर एक्सपेक्टिंग, देन दैट वुड हैव बीन ए वैल्यू फॉर मनी। नाउ एक चीज यहाँ पे आप लोग देखना दोस्तों प्राइसिंग के केस में, यहाँ पे जैसे ही मैं RTX 4050 करता हूँ, ठीक है, विद द 1 TB ऑफ SSD, इसकी प्राइसिंग होती है 1,32,000 रुपीज। लेकिन वहीं अगर मैं 512 GB पे स्विच करता हूँ तो इसकी प्राइसिंग हो जाती है 1,06,000 रुपीज। तो लगभग आप लोग 512 GB SSD के लिए, ठीक है, यहाँ पे 20,000 रुपए जो है यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, विच इज काइंड ऑफ रविश। तो अगर आपको लेना है दोस्तों, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन यही रहेगी कि RTX 4050 वाला लो विद 512 GB ऑफ SSD, बिकॉज एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 1,50,000 रुपीज, ठीक है, आप लोगों को और भी थोड़े प्रीमियम ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत और पैसा लगाना आपको पड़ सकता है, जहां पे जो बजट अफोर्डेबल का टैग रहेगा ना वो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो दैट विल बी ए फुल फ्लेज्ड प्रीमियम लैपटॉप जो कि आप लोगों को इस प्राइस पॉइंट पे जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नाउ एक चीज इन लोगों ने अच्छी की है दोस्तों कि RTX 4060 का जो TGP वैल्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दैट इज 140 वॉट। सो इट्स फुल फैट 140 वॉट, जहां पे आप लोगों को 115 वॉट प्लस 25 वॉट ऑफ डायनेमिक बूस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ प्राइसिंग दोस्तों ऐसे ही नहीं बढ़ाई हुई है, ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ा दी है इन लोगों ने, लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि RTX 4060 जो है फुल 140 वॉट का मिल रहा है, और साथ में आप लोगों को राइजन 9 प्रोसेसर जो है दोस्तों देखने को मिल रहा है, जो कि 8 Core 16 Thread के साथ में आता है, साथ में 16 MB ऑफ L3 कैचे भी आपको देखने को मिलती है। डिस्प्ले के मामले में इन लोगों ने कोई कंजूसी नहीं की हुई है, मुझे अभी भी याद है पिछले साल प्राइसिंग एग्रेसिव रहती थी, लेकिन इनफैक्ट जो उनके टॉप एंड वेरिएंट रहते थे वहां पे आपको डिस्प्ले जो दोस्तों मिलती थी दैट वाज नॉट एट ऑल गुड। लेकिन यहां पे आप लोग दोस्तों डिस्प्ले देखिए, 100% DCI P3 कलर वॉल्यूम की आपको देखने को मिल रही है, इट्स नॉट 100% sRGB, इट्स इवन ग्रेटर देन दैट 100% DCI P3 कलर वॉल्यूम, 165% रिफ्रेश हर्ट्ज के साथ में जो है आप लोगों को रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिल रही है, और साथ में 15.6 इंच का जो है क्वाड HD पैनल आप लोगों को यहां पे देखने को
मिल रहा है। नाउ वन थिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि जो इन लोगों ने मेमोरी यहाँ पे दी है दैट्स जस्ट 8 GB, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है अमेज़ॉन के ऊपर इट्स 8 GB RTX 4060। ओके, सो ऐसा नहीं है कि रैम आप लोगों को 8 GB मिल रही है, रैम जो है आप लोगों को यहाँ पे 16 GB यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इनफैक्ट जो 1 TB की SSD है इट्स ए फुल फास्ट 1 TB ऑफ NVMe Gen 4 SSD, तो Gen 3 SSD भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। साथ में आपको जो टाइप सी पोर्ट मिलता है दोस्तों इट्स ए लेटेस्ट USB 4 टाइप सी, ठीक है, तो आप लोगों को जो भी स्पीड यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रही है दैट्स ए कमाल की स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी। नाउ पर्सनली स्पीकिंग मेरा ओपिनियन क्या है दोस्तों, ओवर प्राइस्ड है, काफी ज्यादा ओवर प्राइस इन लोगों ने रखी हुई है। एंड इट्स ए देखो ये चीज यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ये चीज रिफ्लेक्ट करेगी आगे आने वाले जो कुछ भी कमिंग ईयर्स में लैपटॉप लॉन्च होंगे ना गेमिंग वाले उन केस में, बिकॉज देखो यहां से एक स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट जो है दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को मिल जाता है, कम करेगी भी तो कितना करेगी, ठीक है। इन द कमिंग मंथ्स ऑब्वियसली डिस्काउंट थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4-6 हजार, 6-7 हजार रुपए इतने कम होंगे, उससे ज्यादा कम नहीं होंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस लैपटॉप टू बी फ्लोटिंग समवेयर अबाउ 1.43 लाख रुपीज थ्रू आउट द ईयर, और आगे आने वाले जो कुछ भी इसके वेरियंट होंगे ऑब्वियसली इससे कॉस्टली ही आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएंगे। आपका क्या मानना है इस लैपटॉप के बारे में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।